नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। आज हम बातचीत करने वाले हैं पवन सिंह के बारे में, जो कि पवन सिंह का कल लाइव इवेंट था, यानी गाना का लॉन्चिंग का इवेंट था, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। हाँ तो दोस्तों, लाइव इवेंट में वहाँ पे क्या कुछ हुआ, इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। कल पवन सिंह के गाने का लॉन्चिंग था लखनऊ में, और वहाँ पे बहुत सारे लोग गए थे, यानी पवन सिंह की पूरी टीम गई थी, और गाने को जिसने लिखा है, संगीत दिया है, गाने को गाया है, वो सब लोग वहाँ पे गए थे। जैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, प्रियांशु सिंह, आशुतोष तिवारी और अनुपमा यादव, और जो जो लोग इस गाने में काम किए हैं वो सभी लोग गए थे इस वाला लाइव इवेंट में। और पवन सिंह वहाँ पे अनुपमा यादव को गिफ्ट भी दिए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में फोटो। और कुछ महीने पहले पवन सिंह और अनुपमा यादव को लेकर कुछ फालतू यूट्यूबर विवाद कर दिए थे, जो कि ऐसा कुछ बात नहीं था, सिर्फ यूट्यूबर लोग विवाद किया था। और पवन सिंह ने अनुपमा यादव को लाखों का गिफ्ट दिए हैं, जो कि अपने हाथ से पहना है। स्क्रीन में आप लोग तस्वीर भी देख सकते हैं, या तो सोशल मीडिया में बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ है, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पवन सिंह के नए गाने के बारे में। तो पवन सिंह ने बोले हैं कि बहुत जल्द मेरा और बहुत सारा गाना आप सभी के बीच बैक टू बैक आने वाला है, जो कि पवन सिंह ने खुद बोले हैं, जो कि आप लोग सुन सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, पवन सिंह बोले हैं कि अब हमेशा गाना आता रहेगा, जिसको फरियाना है, जिस बेटा को आके फरिया ले, पवन सिंह वीडियो क्लिप में बोले हैं, जो कि आप लोग सुने होंगे। हाँ तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, और दोस्तों पवन सिंह का वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।